मुझे एक समय के लिए ऐसा लगा कि पुलिस की ही गाड़ी, ओ भाई पुलिस की ही तो है गाड़ी। तो भाई बात ऐसी है कि प्रो राइडर अब दुनिया में नहीं रहे। जब इंसान रहता है ना तब उसकी कोई कदर नहीं करता, लेकिन वो चला जाने के बाद उसकी अहमियत का पता चलता है। यार इंसान को ना सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मोटो व्लॉग। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आज सैटरडे और छुट्टी का दिन है। अभी मैं राइड के लिए निकल गया हूँ। आज का डेस्टिनेशन है हमारा पुणे। हम पुणे जाने वाले हैं। पहले गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे, ट्रिप फिटर कर देता हूँ जीरो। अभी सुबह के 7 बजे सातारा से निकल गया हूँ। यहाँ से देते है गाड़ी हाईवे पर। कल मैंने मेरुलिंग मंदिर का पार्ट डाल दिया है। सुबह सुबह राइड करने का मजा ही कुछ और होता है यार। हर संडे ना इस हाईवे पर राइडर्स आते है घूमने के लिए और राइडिंग के लिए। बस यार एक राइडर को और क्या चाहिए, या ऐसा रोड और अपनी पसंदीदार बाइक अपने साथ। बस अरे भाई साहब, मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा है प्रतीक, ऐसे फट रही है ना, मुझे पकड़ रहा है यार। तो भाई आगे चलकर हमें लगने वाला एक टनल, यार बहुत बढ़िया टनल है। गाइस देख सकते हो आप, साइड में पूरी पहुंच चुकी है ये साइड वाले पहाड़ पर। तो भाई पेट्रोल डाल दिया है अभी गाड़ी में। भाई साहब कितना बढ़िया है, मैंने कभी गौर ही नहीं किया इस पर। Look at this, भाई साहब राजधानी सातारा। ये ऊपर से जो आने वाली गाड़ी है ये पूरा वन वे है। अभी ये सिर्फ सातारा से पुणे की तरफ जाने वाली गाड़ी है, इस साइड से चलती है। और पुणे से सातारा आने वाली गाड़ियाँ ऊपर से आती है। ये ऊपर से भी रोड है, इसके ऊपर से वहाँ से आती है। और वहाँ पर ना पूरा पहाड़ी रास्ता है और यहाँ पर उतना ज़्यादा नहीं है। खंबा टक्की बोगदा भाई साहब, जन्नत है जन्नत। लुक एट दिस भाई। और इस वाले टनल में जब हम R1 लाएंगे विथ एक्रोपोविक एग्जॉस्ट का ही समझ आएगा। हाँ, तब यार तब भाई पूरा फाड़ देगा, सिस्टम फाड़ देगा पूरा वो तो। लो भाई टनल हो गया पास अभी। ओके गाइस, तो अभी हम पहुंच गए सिरवर में। और ये सिरवर है वो भाई, कार एक्सीडेंट है शायद, तो ऊपर के लेके जा रहे हैं। और भाई साहब XUV700, ओए शप्पर क्या एक्सीडेंट हुआ है उस गाड़ी का, पूरी पूरी डैमेज है। सबसे सेफेस्ट कार में से जो एक कार है ना ये XUV700, ये भी है उसमें। और भाई अभी एक्सीडेंट देख सकते हो आप कैसा है। सो यार इतना भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए यार, थोड़ा ध्यान से चलानी चाहिए गाड़ी। ये पूरा MIDC एरिया है और यहाँ पर बहुत सी फैक्ट्री है। ये साइड में राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो सारी फैक्ट्री है, और इधर की साइड में पूरी फैक्ट्री है। और ये सामने जो बोलेरो जा रही है, मुझे एक समय के लिए ऐसा लगा कि पुलिस की ही गाड़ी, ओ भाई पुलिस की ही तो है गाड़ी। अभी हम चाय पीने वाले हैं गाइस, चलो आओ आप भी चाय पीने के लिए, आपको भी पिलाता हूँ एक एक कप चाय कट्टा स्पेशल। नो स्पेशल टिकट नहीं अपन तो। तो चाय पी ली यार इधर, और अभी निकलते हम। अभी दिखाता हूँ मैं, हमारा प्रतीक भाई गाड़ी चला रहा है, ये रही अपनी बाइक। और यो रहा प्रतीक मगर, हमारे क्लास में सबसे लंबा लंबा ही। तो वही चलते हैं, अभी प्रतीक चला रहा है गाड़ी और मैं बैठा हूँ पीछे। सो भाई ये है नदी, और भाई ये नदी के साइड में एक रेस्टोरेंट है शायद। यार इतना बढ़िया दिख रहा है, और क्या यार व्यू आता है उस रेस्टोरेंट से। तो भाई बात ऐसी है कि प्रो राइडर अब दुनिया में नहीं रहे।
यार, गॉड उनकी आत्मा को शांति दे यार। बुरा लगता है यार, अभी तक पता नहीं चल रहा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। कोई बोल रहा है हिट एंड रन केस है और कोई बोल रहा है कि हाई स्पीड में गाड़ी थी। सो यार प्लीज़ आप अपना खुद का ओपिनियन मत डालें। जब तक प्रो राइडर का कैमरा नहीं मिल जाता ना, तो तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। सभी उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके घर वालों के लिए भी। और यार अभी क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रो राइडर यूके से थे, जब इंसान रहता है ना तब उसकी कोई कदर नहीं करता, लेकिन वो चला जाने के बाद उसकी अहमियत का पता चलता है यार। बहुत से लोग हैं कुछ भी बोलते थे प्रो राइडर के बारे में, लेकिन यार अब वो चले गए तो सबको उनकी अहमियत का पता चल रहा है यार। इंसान को ना सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब तक लाइफ में है तब तक हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए। ओके गाइस, तो आज का वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। कीप सपोर्टिंग, आपका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रखिए। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपका सपोर्ट नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं अब तक नहीं पहुँच पाऊँगा। सो यार सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।